आईपीएल 2024 का एक और अल्टीमेट शोडाउन भाई एक तरफ होने वाली है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, दूसरी तरफ है लखनऊ सुपर जायंट्स। दोनों ही टीमें टॉप पे चल रही हैं पॉइंट्स टेबल का, टॉप नहीं मतलब टॉप फाइव में चल रही हैं पॉइंट्स टेबल के, और एक और घमासान मुकाबला इन दोनों के बीच में होने वाला है। इस बार जो वेन्यू है वो है बदला हुआ, वो मुकाबला खेला जाएगा ईडन गार्डन स्टेडियम में, और जबरदस्त रन गेटिंग होती है, स्पिनर्स को भी सपोर्ट मिलता है और बल्लेबाजी भी देखने को मिलती है अच्छे से। डिकोड करेंगे सबसे पहले तो इनकी प्रेडिक्टेबल 11 कैसी दिख रही है भाई प्रेडिक्शन। तो यहां पर सबसे पहले श्रेयस अय्यर की साइड बैटिंग किया ऊपर अगर ना ही ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा रन इनकी टीम से बनाए हैं सुनील नरेन ने, जो कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, सबसे ज्यादा रन बनाए हैं उन्होंने। सेकेंड नंबर पर आंद्रे रसेल चल रहे हैं रन गेटिंग में, बाकी के बल्लेबाज क्या कर रहे हो भाई, कहां छुपके बैठे हुए, बिल में बाहर आना पड़ेगा तभी गेम जीतेंगे भाई आपकी टीम। बाकी गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी का कॉलम भी कुछ इतना अच्छा नहीं दिख रहा है यार, वैभव अरोरा, हर्षित राणा और थर्ड नंबर पे आंद्रे रसेल 1-2-3 ऐसे पायदान पर है। केकेआर के लिए 5-5-5 विकेटें लेकर, लेकिन टॉप 15 में कोई भी खिलाड़ी नहीं है गेंदबाजी की लिस्ट में इनकी टीम का। अंकृश रघुवंशी ने एक सरप्राइजिंग फैक्टर लेकर आए हैं और इंप्रेस किया है, अदरवाइज बाकी पूरी टीम क्या कर रही है समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ कंबाइन एफर्ट्स हैं, यही वजह है कि तीन मुकाबले जीत चुकी है, 6 पॉइंट्स ले जा चुकी है। बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की तो इनकी टीम से एक ही दिक्कत लग रही थी, वो लग रही थी कि कप्तान केएल राहुल का परफॉर्मेंस कहाँ है। तो भाई कप्तान केएल राहुल ने परफॉर्मेंस भी दिखा दिया है, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एक टफ सरफेस था और वहां पर एक अच्छी नॉक खेल गए, और आने वाले टाइम में केएल राहुल अपने आप को प्रोग्रेस करते जाएंगे। लेकिन क्विंटन डिकॉक ने अच्छी बैटिंग करी है, यहां पर बैटिंग करी है मार्कस टॉयनिस, निकोलस पूरन, आयुष बदूनी ने अच्छी करी है, लेकिन एक जो खांचा अभी भी ब्लैंक रह रहा है ना वो इस पोजीशन पर रह रहा है, क्योंकि ना देवधर पड्डिकल चल रहे हैं ना दीपक हुडा चल रहे हैं। हुडा को लास्ट मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एज एन इंपैक्ट प्लेयर लाए थे, पर क्या फायदा हुआ भाई, कुछ फायदा ही नहीं हुआ, आप 3 रन बना के गए हो मेरे ख्याल से 6-7 बॉल लेकर, तो क्या फायदा भाई, इंपैक्ट खिलाड़ी इंपैक्ट लेस जा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। एक यहां पर दिक्कत अभी आ गई ना इस टीम में, तो ये आ गई है कि मयंक यादव 2 मैच नहीं खेलेंगे ऐसा पता चला है, इंजरी हुई थी उनको लास्ट से लास्ट मैच में, तो भाई वो एक कंसर्न जरूर है। जीटी के खिलाफ मैच में वहां पर भी 1 ओवर कराया था, उसके बाद नहीं खेले, डीसी के खिलाफ नहीं खेले, इस मैच में खेलेंगे या नहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हालांकि 90% चांसेस है कि नहीं खेलेंगे और रेस्ट दिया जाएगा। उनकी जगह टीम में लाया गया है अरशद खान को, और अरशद खान ने बैटिंग भी अच्छी करी डीसी के खिलाफ और बॉलिंग भी अच्छी करते ही हैं। यश ठाकुर ने अपनी कैलिबर को दर्शाया है, 5 लगाया था जीटी के खिलाफ और मुकाबला जिताया था, नवीन उलहक भी अच्छा काम कर रहे, तो ओवरऑल पैकेज अच्छा है टीम के पास। अब सपोर्ट करना पड़ेगा, उस दिन कैसा है मैच में भाई टीम का वो देखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कैसी होगी, तो भाई खेल क्रिकेट की फैंटेसी टीम कुछ इस तरह की दिख रही है। सबसे पहले तो जैसा हम हमेशा खाचे भर देते हैं विकेट कीपिंग के, तो यहां पर भी 1-2-3 ये 3 विकेटकीपर और तीनों ही बल्लेबाज आप अपनी टीम में बिल्कुल चूकना नहीं चाहेंगे, ले लो भाई ले लो, इनको सेल लगी हो बिना सेल के भी इनको भाव टू भाव ले लो, ऐसे खिलाड़ी हैं ये, तो भाई इन तीनों को ले लो आप। इसके अलावा अंकृश रघुवंशी, मार्कस टॉयनिस, नवीन उलहक और फिल सॉल्ट ये भी आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। फिल सॉल्ट भी विकेट कीपर है लेकिन एज अ बैटर ज्यादा अपना कैलिबर प्रूव कर पाएंगे केकेआर और आपकी फैंटेसी टीम में। ऑलराउंडर्स की बात करें तो स्टॉइनिस हैं आपके पास, क्या दिक्कत है। इसके अलावा सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, कृणाल पांडे और रवि बिश्नोई ये आपके फ्रंटलाइन गेंदबाज होने चाहिए। जो ईडन गार्डन का विकेट है वो स्पिनर्स को सपोर्ट करता है अच्छा खासा, एंड दैट इज द रीजन रवि, कृणाल पांडे, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन ये आपके स्पिनर्स डिपार्टमेंट संभालेंगे। वहीं अगर नवीन उलहक की बात की जाए तो एक पेसर मैंने शामिल कर लिया है, वेरिएशन भी है, सब कुछ है तो बढ़िया है। कप्तान बनाए निकोलस पूरन को, वाइस कप्तान सुनील नरेन, या आप वाइस वर्षा कर दो, ये कर सकते हो, ऑप्शन है, क्योंकि ये गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों कर रहे हैं, रंग जमा रहे हैं, खूब जमेगा रंग, तो जब आपकी टीम में होंगे सुनील नरेन और उनके संग निकोलस पूरन। तो भाई ये रही हमारी फैंटेसी टीम। अब बात कर लेते हैं प्रेडिक्शन, तो लखनऊ सुपर जायंट्स जैसे मैचेस जीत रहे हैं ना वैसे ही मैचेस जीतेगा, बढ़िया वाला मुकाबला, ईडन गार्डन का मैदान मार रहा है, जीत रहा है मुकाबला। इसके अलावा क्विंटन डिकॉक, फिल सॉल्ट, निकोलस पूरन 50 से 50 से ज्यादा रन बनाते दिखेंगे, कृणाल पांड्या 2 विकेट लेंगे 30 रन बनाएंगे, ये बढ़िया प्रेडिक्शन ऐसे ही देते हैं। सुनील नरेन 2 विकेट ले रहे हैं 20 से ज्यादा रन बना रहे हैं, नवीन उलहक, वरुण चक्रवर्ती 3 विकेट ग्रैब करेंगे, और ऐसे ही नेक टू नेक मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों टीमें जब भिड़ती हैं तो तगड़ा मुकाबला देखने मिलता है, और उतना ही तगड़ा अगर आपको फैंटेसी टीम लग रही हो तो ढेर सारा प्यार देते रहिए इस वीडियो को, और ढेर सारा लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा खेल क्रिकेट के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस।